हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले दो स्टॉक से रिलेटेड और दो स्टॉक्स और एक रिजल्ट ये कह सकते हैं या दोनों स्टॉक के रिजल्ट ही एक के कल आए थे एक के आ जाए थे तो इनसे रिलेटेड बातें करेंगे जानेंगे और आपने डिस्क्रिप्शन थंबनेल में देख ही लिया है बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरह की वीडियो डेली बेसिस में मिलती रहे बाकी यहां पर बहुत सारी वीडियोज डेली बेसिस पर बनाई जाती है और आज की डेट में भी ये वीडियो बनाई है जहां पर मैंने इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में एड किया है और आपको बताया है कि मार्केट का व्यू मार्केट का सपोर्टिंग लेवल

तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्टॉक्स के रिजल्ट से रिलेटेड यहाँ पर देखिए जे एस डब्ल्यू स्टील स्टील की आपको पता ही है मेटल स्टील से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं बेहतरीन नंबर पेश कर रहे एज एज वेल इनमें एक अच्छी खासी जंप है और ऊपर से नीचे आते हुए काफी रिट्रेस हो चुके हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें तो देखिए इस क्वार्टर के लास्ट क्वार्टर के लास्ट ईयर के, के नंबर है और इन करोड़ में नंबर है अगर हम यहाँ पर देखिये सेल्स ग्रॉस सेल्स तो यहाँ पर देखिए ग्रॉस सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है और टोटल नंबर की तरफ हम जाएंगे ओके तो यहाँ पर आप टोटल इनकम की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एक

इससे पहले अठारह इससे पहले चौदह हजार को, तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे एक्सपेंसिव बढ़ रहा है और हम यहाँ पर देखते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टैक्स एंड ऑल देने के बाद तो यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट होता है

मिनट देख, देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कप और यहाँ पर एक हैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है इसके बाद जो चीजें निकलती है तो कितना प्रॉफिट देती है वो आप यहाँ पर खुद देख लीजिएगा तो यहाँ पर जो टारगेट की बात करें तो एक बेहतरीन और अच्छा टारगेट यहाँ पर हमें नजर आ रहा है जो की कि हमारा कितना नजर आता है अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये टारगेट लगभग नौ सौ रुपए के आसपास का है तो नौ सौ रुपए के टारगेट के लिए आप इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में आप एंट्री ले सकते हैं ये बेहतरीन स्टॉक्स यहाँ पर आपके लिए है। इसके अलावा एक स्टॉक से रिलेटिव और बातें करेंगे जिसका नाम क्या है जिसका नाम है टाटा स्टील टाटा एक मिनट स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट यहाँ पर इस कंपनी का नाम है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट तो इसकी हम बात करेंगे और ये मुझे अच्छा खासा शेयर नजर आता है अगर हम यहाँ पर देखें, तो देखिए इसके कल रिजल्ट आए थे और ये कंपनी करती क्या है तो यहाँ पर देख लीजिए फॉर्मली नोन एज टाटा स्पॉन्ज स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड इज इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हाई एलॉय स्टील्स प्राइमरी फॉर द ऑटो फॉर द ऑटो सेक्टर एंड वायर रोप इंडस्ट्री विद वन मिलियन टन कैपेसिटी इट वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पेशलिटी स्टील प्लांट इन इंडिया इन लॉन्ग प्रोडक्ट सेगमेंट तो इन लॉन्ग प्रोडक्ट सेगमेंट एज वेल एज ये जो ऑटो से ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में ऑटो सेक्टर में जो ये जितने भी स्टील यूज होते हैं ये कंपनी यूज करती हुई नजर आती है और जब यहाँ पर टाटा का खुद का मोटर्स uh, है और टाटा स्टील ये इस तरीके की प्रोडक्ट बना रही है तो ऑब्वियसली बात है यह शेयर में भी एक अच्छी खासी जंप आती हुई दिखाई दे सकती है यहां पर एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो हमें एक क्लियर uh, पिक्चर हमें आती हुई नजर आएगी तो यहाँ पर इस कंपनी से रिलेटेड काफी सारी चीजें हमें पता हो चलती हुई नजर आएगी यहाँ पर देख सकते हैं नेचर ब्रिंगिंग एक मिनट देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट से रिलेटेड

कैटर टू डायवर्स सेक्टर्स इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन रेलवे पावर ऑटो जनरल इंजीनियरिंग एंड डिफेंस मतलब इन पर्टिकुलर सेक्टर में कंपनी यूज होती हुई दिखाई देती है इंफ्रा एल इंफ्रा एल एन ई एस in इज pioneer in India for using hot metal in electric arc furnaces. तो मतलब देखिए electric का भी आपको पता ही है किस तरीके से power का consumption हो रहा है power पूरे, पूरे भारत में बढ़ाई जाएगी तो ऑब्ली बात है यही स्टील्स use करी जाएगी As well as uh, बात करें railway, power sector, auto sector, हर एक sector में इसके भी product है और ये largest है company. तो इस company को हर चीज में फायदा होता हुआ नजर आएगा according to me. और यहाँ पर इस company की तरफ आप यहां पर ध्यान दे सकते तो हैं

तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ही है बट बीच बीच में हर्डर्स आते रहते हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो पर्टिकुलर अः यहाँ पर इस गिरावट को भी आपको टॉलरेट करना होगा क्यों क्योंकि यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी में इसी तरीके से होता है शेयर जब भागते हैं तो एक एक ही बारी में आपको इतने रिटर्न दे देते हैं कि आप गिन नहीं पाते 400-500 पांच सौ परसेंट खे और इसमें गिरावट भी होती है तो उसी तरीके से गिरावट भी होती है नजर आती है तो यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश भी रहिएगा तो बट अभी जब जैसे कि हम बात कर रहे हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं कि एक बेहतरीन अगर बात करें इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा तो ऑब्वियसली बात है ये जो बेहतरीन कंपनी है बड़ी जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में वेल well पर पावर में, में, सेक्टर में में रेलवे तो लीडर होती है वही कंपनी यहाँ पर भागती हुई दिखाई देती है तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए इसके अलावा इसके रिजल्ट की बात करें तो इस बार के जो इसके रिजल्ट थे हाईएस्ट अवर रिजल्ट थे यहाँ पर आई थिंक ऐड नहीं कर रखे टाटा स्टील एक मिनट देख लेते हैं हाँ देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड लोन में यहाँ पर दे रखे हैं तो सेल्स की अगर बात करें तो सोलह करोड़ की सेल्स थी अच्छी खासी सेल्स थी लास्ट क्वार्टर के हिसाब से ही अच्छी खासी थी आप प्रॉफिट और यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंसेस ज्यादा होते हुए दिखाई थे इस वजह से यहाँ पर प्रॉफिट का तो रेशो थोड़ा कम होता है वो दिखाई देता है फिर भी कंपनी देखिए जो द, आ, 2019 और 20 के स्टार्टिंग में पूरी नेगेटिव थी वो धीरे धीरे यहाँ पर पॉजिटिव और अच्छे खासे यहाँ पर याँ पर रिजल्ट देती हुई नजर आ रही है सेल्स की ईयरली बेसिस बात करें तो कंपनी जो 2010 में 514 करोड़ की सेल्स थी आज की डेट में बात करें तो लगभग पांच करोड़ की सेल्स और पिछले बारह महीने में छह करोड़ की सेल्स बदल गई है नेट प्रॉफिट की बात करें नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा हाइस्ट अबर यहाँ पर नेट प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है तो कंपनी जो लास्ट लास्ट ईयर घाट

याद रखिएगा पब्लिक के जब यहाँ पर शेयर होल्डिंग जाने लग जाए ना तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है इस चीज को याद रखिएगा कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है तो इसकी तरफ हमेशा ध्यान रखिए पब्लिक का कम होना मतलब शेयर का ऊपर जाना उनतालीस से अड़तीस अड़तीस से यहाँ पर सत्रह सत्रह से यहाँ पर अठारह अठारह के बाद उन्नीस से यहाँ पर थोड़ी बड़ी फिर उन्नीस से दोबारा कम होती हुई दिखाई दे रही है अठारह बयालीस तो एटीन पॉइंट तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए टाटा स्टील अगर हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसका चार्ट पैटर्न मुझे अच्छा खासा नजर आ रहा है क्यों अच्छा खासा नजर आ रहा है तो इसके लिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक 200 हंड्रेड डीएमए को इसने टच कर रखा है और ये जब भी टू हंड्रेड डीएमए के पास में आई है ना चीजें ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दी है वरना फिफ्टी डीएमए के आसपास पास ये चीजें मूव करके ऊपर जाती हुई दिखाई देती है रिजल्ट अच्छे खासे है ओके सारा सेक्टर यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रहे

उसके बाद तेजी से भागी थी इसके अलावा पर पर भी देखेंगे तो यहाँ पर पहले एक बार यहां पर भी रुका था तो चीजें इसी तरीके से चलती हुई दिखाई देती है तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए अब चार्ट पैटर्न की बात करें तो एक अच्छा खासा अगर रिवर साइड एंड शोल्डर वो भी कॉम्प्लेक्स रिवर्स साइड एंड शोल्डर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए एक शोल्डर बनाया शोल्डर बनाने के बाद यहाँ पर इसने एक हेड बनाया हेड बनाने के बाद यहाँ से ऊपर निकला था कब यहाँ पर से रिवर्स हेड एंड शोल्डर बट यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आया और नीचे आया और यहाँ पर दोबारा ये शोल्डर बना के ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा आ, ये अगले क्वार्टर में एक बार और अच्छे इसने रिजल्ट पेश कर दिया थोड़ा सा हाइस्ट एवर का यहाँ पर प्रॉफिट रिजल्ट दिखा दिया तो ये शेयर यहाँ पर गोली होता हुआ दिखाई देगा या फिर कोई न्यूज आ गई फिर ये गोली होता हुआ दिखाई देगा और शेयर अच्छा खासा यहाँ पर रिजल्ट देख के दे सकता है और इसके जब चार्ट पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर जब टारगेट बनेंगे तो यहाँ पर टारगेट जो इसकी इंटरनसिक वैल्यू तेतीस सौ तैतीस सौ रुपए के आसपास है इस चीज को भी ध्यान रखिए इंटरनसिक वैल्यू तेतीस सौ शेयर प्राइस यहाँ पर आठ सौ सत्तर रुपए के आसपास चल रहा था यहाँ पर अगर टारगेट देखे तो उन्नीस सौ रुपये का टारगेट आ रहा है थोड़ा सा लंबा टारगेट है बट थोड़ा सा वेट करना होगा ये टारगेट अचीव होते हैं ऐसी बात नहीं है और जब यहाँ पर भारत की हिस्ट्री भारत यहाँ पर एक अच्छा खासा भागने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर अच्छा खासा डेवलप होने वाला है सब चीज़ अच्छा खासा होने वाला है तो ये शेयर भी भागेगा देखिए तेईस के पहले यहाँ पर रिटर्न मिलते हुए नजर आ रहे हैं जो कि यहाँ पर से अगर ये निकला तो तेज भागेगा फिर इसके बाद छत्तीस के और यहाँ से ये ब्रेक डाउन ब्रेकआउट हुआ तो फिर ये याद रखिएगा एक रैली है जो कि यहाँ पर कितने परसेंट की बनती हुई नजर आ रही है एक परसेंट की तो ये अलग अलग यहाँ पर रैली है तो इनकी तरफ ध्यान दीजिए ये शेयर आपको अच्छे खासे रिटर्न देते हुए नजर आएंगे और ये शेयर बार बार एक ही लेवल पर आके रुक रहे हैं ओके तो यहाँ से कभी भी जब निकलेंगे तो अच्छी खासी रैली बनाते हुए निकलेंगे तो ऐसे शेयर को नीचे लेवल पर खरीदना अच्छी खासी एक रणनीति होती है स्ट्रेटेजी होती है इस चीज को याद रखिएगा जब यहाँ पर रिजल्ट अच्छे खासे हो यहाँ पर बॉइंग कम हो रही हो रिजल्ट बढ़ रहे हो बट बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं अपने खुद की स्टडी करनी है वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना है और हमें जितना हो सके सपोर्ट करना है दूसरी वीडियो एक यहाँ पर अपलोड हो चुकी है ऐसे भी देखिए और हमारी सर्विसेज स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेनी है तो हमें यहाँ पर व्हाट्सअप पे आप पिन कर सकते हैं यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा सो थैंक यू सो मच कॉर्ड प्लस